अभी यहाँ पे इतनी लाइटिंग हो जाएगी, इतनी लाइटिंग हो जाएगी। अभी मैं जब वहाँ से आ रहा था, बीजिंग से शंघाई आ रहा था, तो रास्ते में जैसे बड़े बड़े जो ज़मीनें लैंड होती हैं, खुली लैंड जो होती हैं रेलवे ट्रैक के साथ में, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के प्लांट्स लगे हुए थे, इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए थे कि जिसके भाई क्या ही कहने। और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाइना प्रोड्यूस करता है हर दिन, जो कि ये देखो जी क्या बात है। लो जी पहुंच गए अपन इस टावर के पास घूमते घूमते। अब सबसे पहले इधर कुछ खाते हैं। क्या बात है, एक बार तो यार बंदे का सर ही दर्द हो जाए कि वो कौन से ही शहर में आ गया यार, है ना। ओए होए होए क्या बात है, जितना यार कैमरे में नहीं खूबसूरत लग रहा ना, उससे ज्यादा ये खूबसूरत मैं लाइव देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है। अब इसके पिलर आप देखो कितने मोटे मोटे इन्होंने पिलर डाले हुए हैं। हर कंट्री के अपने टावर होते हैं भाई, इस टावर ने सारे टावर फेल करे हुए हैं। हमारे ऑकलैंड सिटी का भी एक टावर है, ऑस्ट्रेलिया का टावर है, हांगकांग का टावर है, हमारे दिल्ली शहर का एक ऐसा टावर है, मगर भाई चाइना कहता है तुम सारे बना लो अपनी बारी में, सारे अपने अपने टावर बना लो, फिर जब मैं बनाऊंगा तो देखना। और ये बात सच है भाई, देखने वाले टावर बनाए हुए हैं। देखो जी अब पहले कुछ खाते हैं। ये देखो जी चाइना में मैं देखा करता था पहले टीवी में और यूट्यूब में देखा करता था कि ये राउंड अबाउट आता है, राउंड अबाउट, और इधर ऊपर लोग जाके वो करते हैं, फोटोज कराते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और देखो आज आपका भाई को भी यहाँ पे आ गया, सामने है टावर, अभी इसके ऊपर जा रहा हूँ बस कुछ खा पी के। और मुझे बस एक चीज़ का दुख है कि यार आज मेरा ड्रोन जो है वो उसका विंग टूटा हुआ है, और मैं बड़ी देर से सर्च कर रहा हूँ कि इधर कोई डी जी आई का मुझे आउटलेट मिल जाए, तो उसके बीच में मैं ड्रोन पहले सबसे पहले ड्रोन ठीक कराऊँ और उसके बाद मैं इधर ड्रोन उड़ाऊँ। यार क्या ज़बरदस्त व्लॉग आएगा, बट चलते हैं फिलहाल आगे। ये देखो इस सामने आ गया डिज्नी, चाइना का अपना डिज्नीलैंड। क्या बात है जी, ओए होए चाइना क्या बनाया चाइना ने यार। अब अगर मैं इस टावर की बात करूँ ना भाई, अभी तो शाम को आऊँगा दोबारा इधर का व्यू लेने, अगर मैं इस टावर की बात करूँ तो उसने पहले ये बीच में गोला बनाया, फिर उसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 गोले और बनाए हुए हैं जिसके पिलर डाले हुए हैं, उसके बाद फिर ऊपर एक गोला। क्या बनाया यार, ये ऊपर आ गए हम राउंड अबाउट पे जी। मैं अपने ड्रोन को बड़ा रिग्रेट फील कर रहा हूँ यार कि बेचारा ड्रोन मेरा डैमेज हो गया। ओए होए क्या बात है, तो यार नीचे जो आपको मैंने सिटी दिखाई है उसके बाद मैं आया हूँ इस मॉल में कुछ खाने पीने के लिए। मॉल का जो नक्शा है ना भाई ज़बरदस्त है। अब मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ इस रेस्टोरेंट में कि रेस्टोरेंट में जो फूड होता है वो किस तरह सर्व होता है। यहाँ जो हम चाइना में देखा करते थे, रील्स में देखा करते थे कि किस तरह फूड जो है देखो गाड़ियों में सर्व हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ये देखो जिसको जो उठाना है वो अपना उठा सकता है और खा सकता है। ये है भाई चाइना, देख रहे हो।
टेक्नोलॉजियाँ दुनिया में वक्त से आगे चल रहा है। चाइना, हम जिस कंट्री में, मैं जिस कंट्री से आया हूँ, न्यूजीलैंड से, ये न्यूजीलैंड कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है भाई, उसकी जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ है, मगर हम लोग एडवांस नहीं है। आप ये देखो, कुकीज़ लेने हैं, आपकी गाड़ी चल रही है, जो खाना है इधर आपका बिल आ जाएगा, कौन सा कुकीज़ कितने का है, मेन्यू सारा डिजिटल है। आई थिंक सो लेबर की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, अंदर जो लेबर काम कर रही है वही लेबर चल रही है। ये है भाई चाइना। हाँ जी यार, तो इस मॉल के अब मैं बाहर आ गया हूँ, इसका मॉल का नाम है सुपर ब्रांड मॉल। बस इस मॉल के बाहर मैं आ गया हूँ और देखते हैं अब क्या खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं शंघाई शहर में। ऑल्दो शाम हो गई है यार, दुनिया भर की लाइटिंग स्टार्ट हो गई हैं। आपको पता है चाइना जो है ना, अपनी लाइटिंगों से पहचाना जाता है। अभी यहाँ पे इतनी लाइटिंग हो जाएगी। अभी मैं जब वहाँ से आ रहा था, बीजिंग से शंघाई आ रहा था, तो रास्ते में जैसे बड़े बड़े जो ज़मीनें लैंड होती हैं, खुली लैंड जो होती हैं रेलवे ट्रैक के साथ में, तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के प्लांट्स लगे हुए थे, कि जिसके भाई क्या ही कहने। और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाइना प्रोड्यूस करता है हर दिन, जो कि ये देखो जी क्या बात है। सो ब्यूटीफुल यार, मज़ा ही आ गया देख के। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना जो है हर दिन की इतनी बिजली पैदा करता है और शाम को लाइटिंग के नाम से पहचाना, लाइटिंग की पहचान से ये पहचाना जाता है। दूसरी चीज, सबसे प्यारी चीज सामने है ANZ बैंक, ये आपके भाई का बैंक है, मेरा भी अकाउंट है इस बैंक में, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड बैंक। ठंड बहुत है यार इस समय, बिल्डिंग देखो सामने कितनी ऊपर है, मुझे लगता है यही वाली जो बिल्डिंग है ना, ये पीछे पीछे वाली, ये बिल्डिंग सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और एक एक बिल्डिंग इनकी 100-150 मंजिल की तो होगी यार, ज्यादा की ही होगी। क्या जगह बनाई है यार चाइना ने, कमाल है भाई, लेवल बनाया लेवल। हाँ जी यार, तो अब फाइनली मैं क्यों रुका हुआ था इधर, मैं रुका हुआ था आपको आज के इस व्लॉग में दिखाने के लिए कि शाम को शंघाई का जो डाउनटाउन है वो किस तरह दिखता है और कैसा लगता है। अब यहाँ पे क्या है कि सारी लाइटें जो हैं जलनी शुरू हो गई हैं, तो आप देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार, क्या बात है। और ये जो गाड़ियाँ हैं, साइलेंट गाड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं, जिसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, ये सारी की सारी गाड़ियाँ भाई चलती हैं बैटरियों के ऊपर, क्या बात है। ये आ गया टावर, इसका नाम है पॉल टावर, किसी को भी आना हो तो सबसे ईजीएस्ट निशानी उसके लिए यही रहेगी कि वो बोले कि मेरे को जाना है शंघाई के पॉल टावर में, तो दे गोना ड्रॉप यू। मोर ओवर ये एरिया आप देखो, ये सारे बैंक्स, फैक्ट्रियां, सॉरी बैंक्स एंड ऑफिसेस, ये सारे बैंक्स और ऑफिसेस हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू देती है शंघाई के शहर को। और कल आपको मैं क्या दिखाऊंगा, कल मैं आपको ये दिखाऊंगा जो भाई भी आएगा शंघाई शहर, एक तो हो गया ये वाला एरिया, ये जो टावर वाला एरिया है, इसके उस पार जाके इधर का सारा व्यू दिखता है, जो कि सारी बिल्डिंग्स दिखती हैं। जिस भाई ने मेरी हांगकांग की सीरीज देखी है, हांगकांग में फेरी के उस पार हम देखते हैं बिल्डिंगों का ये व्यू, तो व्यू पॉइंट की अगर हम बात करें शंघाई में व्यू पॉइंट कौन सा है, वो व्यू पॉइंट उस तरफ जाकर आता है। तो जो भाई भी आएगा वो चीज़ को जरूर देखो, और बहुत ही आप इंजॉय करोगे इस चीज़ को, जो कि हकीकत में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये लोग देख रहे हैं कि कर क्या रहा है, चाइनीस के जो यूट्यूब है वो यहाँ पे चलते हैं यूकू, और हमारे जो इंडिया में चलता है वो चलता है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो चलता है वो चलता है यूट्यूब, तो इसलिए लोग शौक हो रहे हैं। ये किसी पिंड के उठ के आए हुए हैं शायद, मतलब जैसे चाइना के भी एक पिंड होते हैं, उस पिंडों के लोग जो होते हैं वो उठ के आते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वो देखते हैं, जैसे हमारे
हमारे इस इंडिया में आप देख लो कि अगर हम किसी पिंड से उठ के बड़े शहर में दिल्ली या मुंबई आते हैं तो हम देख के उस चकाचौंध को देख के हैरान होते हैं कि अरे यार ये क्या है ना। अब मैं इंडिया से आया हूँ या न्यूजीलैंड से आया हूँ तो मैं शंघाई को देख के हो रहा हूँ कि यार कितना खूबसूरत है ना। तो इसी तरह से मे पीपल आर ऑल्सो सरप्राइजिंग। इसका जो मुझे सबसे प्यारा लगा वो लगा ये राउंड अबाउट, ये पूरा का पूरा गोल चक्कर जो कि इसकी शंघाई की शहर को और खूबसूरत बनाता है। अब ड्रॉबैक मेरे लिए क्या है, ड्रॉबैक ये है भाई कि आई डोंट हैव ड्रोन। मेरा जो ड्रोन है उसकी विंग टूटी हुई है, अगर वो होती ना तो मैं आपको ऊपर से दिखाता कि कितना ज़्यादा खूबसूरत शंघाई शहर और भी हो सकता है ना। लाइटें सारी जल रही हैं, जलनी शुरू हो रही हैं। अब आज रात को मेरा जो फ्रेंड है हरमीत वो आ रहा है, अब वो फ्लाइट में है, श्रीलंका एयरलाइंस की फ़्लाइट में। रात को 11 बजे उसने आना है तो मुझे रात को एयरपोर्ट उसको लेने जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाइना में अगर मैं उसको लोकेशन दे दूँ या एड्रेस दे दूँ तो इस लोकेशन पर आना, टैक्सी करके आ जा, मुमकिन ही नहीं है कोई आ जाए। क्यों? क्योंकि चाइना इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड एड्रेसेस, इट्स वेरी हार्ड कि किसी भी जगह पे चले जाएं। जो भी भाई आता है VPN का यूज़ करके चाइना आओ, जो भाई को अभी तक नहीं पता क्योंकि WhatsApp, Facebook कोई ऐप्स नहीं चलती विदाउट VPNs, तो VPN यूज़ करना जो भाई भी आता है। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है और हाथ शिवरिंग कर रहे हैं, पूरी बॉडी शिवर कर रही है ना। चलते हैं नीचे की तरफ। कल से जो व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, कल से व्लॉग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा जिसको कहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट इन चाइना इन शंघाई देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भाई आ रहा है साथ में उसका पूरा सपोर्ट होगा है ना, कैमरा होल्ड करने का। अब ऐसी कई रीलें हैं जो मैं नहीं बना पा रहा, जो 1 मिनट की रील्स आती हैं, शॉर्ट्स आते हैं इंस्टाग्राम के या यूट्यूब शॉर्ट्स, तो वो मैं नहीं बना पा रहा, तो कल से वो बना पाएंगे। दूसरी चीज, जैकेट डाल के जाएंगे ताकि ठंड जितनी लग रही है उस ठंड में मरना ना पड़े है ना। अब तो मरने वाले हालात हो रहे हैं मेरे, क्या बात है। कल कोशिश करेंगे टावर के ऊपर जाने की, अगर पॉसिबिलिटी हुई ऊपर है क्या क्या नहीं वो जाके पता करेंगे। बाकी चाइना में लाइटिंग देख लो भाई कितनी होती है, कितना इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी हुई है कि लाइटिंग की ने कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और सी यू सून। शंघाई शहर कैसा लगा कमेंट में बताना। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।